नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। मध्य प्रदेश में मौतों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है, कहीं दुर्घटना में तो कहीं खुदकुशी में तो कहीं कोरोना के चलते। ऐसा ही एक मामला खंडवा जिले के पंधाना थाना अंतर्गत बोरगांव बुजुर्ग पुलिस चौकी के टाकली कला गांव का सामने आया है। एक महिला ने अपनी दो बालिकाओं के साथ कुएं में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ग्राम टाकली कला साहित्य क्षेत्र में शुक्रवार को उस समय सनसनी फैल गई जब एक कुएं में दो शव तैरते दिखाई दिए। मामला कुछ इस तरह से है कि गांव की संतोष बाई, पति सुरेश 38 वर्ष, अपनी दो पुत्रियों निकिता 13 वर्ष और बिंदु 3 वर्ष के साथ गुरुवार को घर से निकली तो लौटी नहीं। दो दिनों तक परिजन रिश्तेदारों से संपर्क कर यहाँ वहाँ तलाशते रहे। शुक्रवार दोपहर को गांव के पास ही खेत स्थित एक कुएं में संतोषी और निकिता का शव तैरता दिखाई दिया। सूचना के आधार पर बोरगांव चौकी प्रभारी जगदीश सिंह सिंधिया बल के साथ पहुंचे। ग्रामीणों के सहयोग से दोनों शव बाहर निकाला। इस दौरान एफएसएल अधिकारी विकास मुजालदा भी पहुंचे। बिंदु का शव कुछ समय बाद मिला। कुआं पानी से भरा होने के कारण पुलिस दोबारा मोटर पंप लगाकर कुएं को खाली किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।